होडल उपमंडल के गांव भुलवाना में स्थित ब्रजरज पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बुधवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यशपाल गर्ग मौजूद थे, जबकि अध्यक्षता में स्कूल के चेयरमैन मुकेश कुमार तंवर ने की। इस मौके पर पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक अव्वल आने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह का मंच संचालन डायरेक्टर पवन कुमार तंवर ने किया। ब्रजरज पब्लिक स्कूल में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि यशपाल गर्ग द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्कूल में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि गर्ग ने स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट के रूप में 9वीं कक्षा की छात्र कोमल को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि गर्ग ने कहा कि स्कूल में इस प्रकार के होने वाले कार्यक्रमों से स्कूल के अन्य छात्रों को भी मनोबल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर स्कूल की कक्षा प्रथम से लेकर 12वीं कक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल सीमा राठी, प्रधान शीला देवी, गुलजारी लाल, पूर्व अध्यापक खुवीराम, सतपाल मुकेश, भजन लाल, पवन कुमार, राजेंद्र कुमार, गौरव, सचिन, सुधा, हेमलता, पिंकी, कविता, बबिता, आकाश, मुस्कान, आंचल के अलावा अन्य स्टाफ वह मेंबर मौजूद रहे। प्रतिभाशाली बच्चों को इनाम बांटने का मुझे मौका मिला। मैं सभी बच्चों से अपनी तरफ से जिन्हों को इनाम मिला है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि वो बच्चे और मेहनत करें जिससे कि उनका और उनके माँ बाप का नाम रोशन हो। देखो बच्चों, आज केवल किताबी ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, कंपटीशन का ज़माना है। आप अपनी स्कूल की शिक्षा के साथ साथ जो बाहर की शिक्षा है अर्थात कंपटीशन की जो आजकल चल रही हैं उसकी शिक्षा भी आप साथ साथ लें, और मैं तो ये भी कहूँगा कि नैतिकता की शिक्षा भी आप अध्यापकों से और माँ बाप से लें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पढ़ाई की तरफ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में आज नैतिकता की बहुत कमी है और वो आप बच्चे ही कर सकते हैं। तो मैं तो पूरे स्टाफ से और इस विद्यालय प्रबंधन समिति से ये कहूँगा कि जहाँ पढ़ाई में अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ बच्चों को आप नैतिकता में भी बहुत अच्छा काम करेंगे।